नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। लगभग 2-2.5 वर्ष हो गए हैं समाज के बीच सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी नहीं मौजूद हैं, तो समाज उनके बारे में क्या कहता है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर, जानते सीधा लोगों से। नमस्कार सर, आपका नाम? शेर सिंह जी। सर, 2-2.5 वर्ष हो गए हैं समाज के बीच गुरु जी मौजूद नहीं हैं, तो क्या समाज को असर पड़ रहा है इस चीज़ का? असर जी समाज के लिए बहुत ज़्यादा है। एक तो जो बराइयाँ थी नहीं, बराइयाँ का बोलबाला आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नशे। ये गुरु जी क्या करते थे, बहुत से नशा का छुटकारा पाते थे, बहुत सी जवानों जवानों को शिक्षा देते थे, स्कूलों में, कॉलेजों में, सफाई अभियानों में, बार सत्संगों में बहुत कुछ देते थे। इन्हें कभी बुरा तो न कभी सोचा भी नहीं, कहना तो बहुत दूर की बात है बेटा। इतने समाज भलाई के लिए जो आप बता रहे हो कार्य कर रहे हैं, क्या आज समाज को उनकी जरूरत है? आपको छुपन वाली नहीं है, ये समाज को सारा पता है, प्रशासन को सारा पता है, बिल्कुल दिखती बात है, दिखती कहेंगे। समाज में इतने कार्य किए हैं कि खून रक्त दान करना, अच्छा गरीब बच्चों को सब्सिडी देनी हर वजह की, गर्भवतियों को हर वजह की सुविधा देनी, शादी करनी, बेशों लक्की शादी करी है बेटा, यहाँ से निकाल निकाल के, नरकों से निकाल निकाल के, आपके सामने हुआ सारा कुछ हुआ, हम बिल्कुल लगा के नहीं करते बात कोई भी। हाँ सर, डेरा के अंदर का किस तरह का माहौल है, क्या डेरा के अंदर माहौल? बेटा जो गुरु पीर फकीरों के ने शिक्षा दी है ना, उनकी शिक्षा ये लग चुकी है। क्यों? उस शिक्षा के बारे में ये लोग आजमाए गए हैं। कैसे? इन लोगों ने इतने दुनिया भर के घर तबाह हो गए थे नशे के कारण, बुराइयों के कारण, उनसे छुटकारा मिला। इन लोगों का अमल है, इस बात का ज्ञान लग चुका है, ये लोग नहीं भूलेंगे इस बात को बिल्कुल भी। सर, उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, इसके बारे में क्या कहना आपका? आरोप का कारण ये है, प्रशासन है जो बहुत सियाणा है, बड़ा नहीं है, ये देखता है, सारा कुछ देखता है, तो बाकी देखेंगे भी। प्रशासन पर हमने पूरा भरोसा है, तो इनका ज़रूर जल्दी निखार करेंगे, और जल्दी से जल्दी समाज को गुरु फिर फकीर की ज़रूरत है, यहाँ समाज में गुरु फिर फकीर ज़रूरी है। लास्ट में हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? लास्ट में यही अपील करना चाहते हैं जी कि समाज में बुराइयाँ बढ़ती जा रही हैं दिन पे दिन, तो इन बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए एक युग युग में शांति आते हैं, और संत होते हैं ना, बुराइयाँ लगती होती हैं इनके, संतों में इतिहास हुआ है जी। सर, थैंक यू सो मच।